हमारा आज का जो चीजें रहेंगी, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। वैसे ही मनोज सर ने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरा अबाउट यू, आपके बारे में बातें करेंगे, ऑप्शंस आफ्टर 12th बीएससी एंड मास्टर्स, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि जॉब पाना। तो जॉब पाने में नेटवर्किंग का क्या रोल है, और ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज, क्योंकि आज के टाइम में ये कंप्यूटर का टाइम है, यहाँ पर पढ़ाई के मौकों की कोई कमी नहीं है। कोरोना पैंडेमिक में आपने देखा, मैं 1 मिनट सबको सर म्यूट कर देता हूँ, प्लीज सबको अपने आप को म्यूट रखिए, बाकी लोग जब कोई बात कहनी होगी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम ओपन इंटरेक्शन रखेंगे। सो सबसे पहले मैं, वैसे ही मनोज सर ने बता दिया है, लेकिन मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप ही की तरह गांव के एक प्राइमरी स्कूल से हुई है, जहाँ से ज्यादातर की, हम में से ज्यादातर की एजुकेशन ऐसे हुई है जहाँ पे हमने 5वीं क्लास तक ABCD भी नहीं सीखी थी। उसके बाद मेरी आगे की एजुकेशन 12th तक इंटर कॉलेज ब्लॉकपत में हुई, और फिर CCS यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे मैं इनका आभारी हूँ कि जनतावादी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनका सौभाग्य मुझे मिला, और यहाँ से मैंने अपनी बैचलर और मास्टर की। और एक एडवाइस से प्रोफेसर श्याम किशोर जी ने मुझे एडवाइस दिया कि आप, अगर आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो आप IIT और या ISC से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो उनके एक एडवाइस से मेरी लाइफ बदल गई। तो यही मैं ये बात आपको जोर देकर बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आज जो आप 1 घंटे तक आगे की जो बातें सुनने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है आप सबके लिए। पोजिशन में आओ, यू डोंट नीड टू वरी। उनमें से कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ UPSC वगैरह करना चाहते हैं, और बाकी जो मैंने स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बोला वो BSc के लिए चले जाते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप BSc में आते हैं, डजेंट मैटर कि आप बायो में हैं, आप मैथ में हो या एग्रीकल्चर में हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के भी हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए उसके बाद की बात करते हैं। जब आप BSc कर लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप MSc करें, उनमें से कोई बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं, कुछ नए फील्ड आजकल आ गए हैं, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और बाकी लोग जॉब में जाना चाहते हैं। अगर आपने मास्टर्स भी किया, स्टिल तो यू हैव टू पाथ, या तो आप जॉब में जाएं, इंडस्ट्रियल जॉब, एकेडमिक जॉब या गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप नेट, सेट, गेट, DST इंस्पायर, GRE, TOEFL क्वालिफाई करो, PhD करें। अगर आपने PhD की, उसके बाद फिर से दो दो रास्ते हैं, या तो आप पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए जाएंगे, विदेशों में जाएंगे या बड़ी लैब में जाएंगे, बट अल्टीमेट गोल अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, हमारा अल्टीमेट गोल होता है जॉब पाना। इट डजेंट मैटर वो BSc करने के बाद हो, वो एमटेक MSc करने के बाद हो, एमटेक करने के बाद हो, या PhD करने के बाद हो। तो जो लोग, मैं आपको एक और चीज बड़े 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 जोर देकर बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप BSc कर चुके हैं तो आप ऑलरेडी, एक सर्वे हुआ है रिसेंटली, आप नीचे देखेंगे, देखिए रिसेंट सर्वे हुआ है, उसमें ये NDTV ने किया है, इंडिया की जो ओनली 4.5% पॉपुलेशन इज बैचलर्स। तो अगर आपने BSc या BA भी कर लिया है, ये एग्रीकल्चर साइंस या बायो किसी से भी कर लिया है, तब भी आप इंडिया के 95.5% लोगों से बेटर हैं। तो आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, इंक्लूडिंग चाहे वो UPSC हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज हो, बैंकिंग सेक्टर हो, PGSU हो, जो प्राइवेट इंडस्ट्री हो या टीचिंग हो, कि जो आप बैचलर डिग्री करके नहीं कर सकते। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के प्रति पैशन है तो ही आप आज आगे की एजुकेशन के लिए जाइए, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप आगे की एजुकेशन के लिए जाए। आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इवन आप एक डिस्ट्रिक्ट, अगर आप सिविल सर्विसेज करते हैं, आप एक डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए भी आपको बैचलर से ज्यादा की डिग्री नहीं चाहिए, देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर मास्टर। बट मैं आपको तो सजेस्ट करूंगा कि आप मास्टर के लिए जाए, आपकी जरूरत है, आपको देश की आपको जरूरत है, लोगों को आपकी जरूरत है। लेकिन जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट सब्जेक्ट, गिव योर बेस्ट, चूज केयरफुली। तो पहले हम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंस्टीट्यूट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश कीजिए गुड स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाइए, रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए, आप विदेशों में भी जा सकते हैं, अब्रॉड अब्रॉड में NITs, IIT, ISC, TFAR,
और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में आपको मास्टर्स के लिए ट्राई करना चाहिए। और सबसे पहले मैं जो मोस्ट पॉपुलर है, स्पेशली जो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए जाना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट देम टू गो फॉर आईआईटी जैम। आईआईटी जैम में आप देखो कि कंपटीशन जहां बीटेक के लिए 15-20 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, आईआईटी जैम के लिए केवल 70-75 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 1200 सीट हैं। और बड़ी चीज ये है कि 23 इंडियन आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं और 7 आईएसआर हैं और 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सो आप जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। अब अगर आप जैम नहीं क्वालिफाई करना चाह रहे या नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, BHU, JEST, DU और JNU, यू कैन क्वालिफाई दीज एग्जाम्स इवन बैचलर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जॉब्स इन डिमांड फॉर द फ्यूचर। एक सर्वे हुआ है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने, सर ने भी बताया, मैंने भी शुरू में बताया कि हमें साइंटिस्ट, तो मैं यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ वो सारी फैक्ट बेस्ड है, वो कोई भी बातें सुनी सुनाई नहीं है, दीज आर जस्ट फैक्ट, दीज आर सर्वेज। सर्वे ये कहता है कि आने वाला टाइम इन जॉब का होने वाला है, जहां पे हम स्पेस पायलट, डाटा डिटेक्टिव, एक्सटिंक्ट स्पाइसीज रिलेवेंट, हम इनकी बात करेंगे, स्पेशली कंप्यूटेशन रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड, फाइनेंस एनालिस्ट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बिजनेस एंड मार्केटिंग एनालिसिस, हेल्थ केयर सपोर्ट, काउंसलर एंड थेरेपेटिक्स। अगली जब मैं स्लाइड दूंगा आपको, मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इस स्लाइड में क्या कॉमन है। अगर आप फ्यूचर की जॉब बात कर रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वह है कंप्यूटर रिलेटेड जॉब, एनालिसिस रिलेटेड जॉब, हेल्थ केयर रिलेटेड जॉब, काउंसलर रिलेटेड जॉब, थेरेपेटिक्स रिलेटेड जॉब। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीजें आपको आने वाले टाइम में, ये चीजें आपको ध्यान रख के अपना करियर चूज करना है। अब मैं जब आपको बात करने वाला हूं कि सब्जेक्ट की बात, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट डोंट गो फॉर ए ट्रेडिशनल बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। अगर आपको फ्यूचर की जॉब लेनी है, आपको जाना है बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी नहीं, एनिमल, मेडिकल, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, फार्मेसी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नर्सिंग, वेटरनरी साइंस, फिजियो साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोफिजिक्स, जो मैथमेटिक्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, डेटा साइंस इज द फ्यूचर, फिजियोथेरेपी इज द फ्यूचर। और अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं, देन डू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं, आप हरेक कंधे पे जाना चाहते हैं, डू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसका रीजन ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज इन द इंटरसेप्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो इन सब सब्जेक्ट के कंधे पे बैठा हुआ है, इनमें से कोई भी उठेगा तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स उठेगी, और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बिना अधूरा है। चलिए मैं और अपनी बातें बताता हूं। आज जैसे कि सर ने बताया, जो मेरी रिसर्च है पिछले 15 साल से, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, रोमेनिया हो, सऊदी हो, जिन कोलेबरेशन में मैं काम कर रहा हूं, मैं पोल्यूशन, एंजाइम्स और लाइफ बियॉन्ड अर्थ के बारे में काम कर रहा हूं। और बिलीव मी कि आई वाज ए केमिस्ट, बट आई मूव टुवर्ड्स मोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। और उसका रीजन था क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर। ये लाइन आप बार बार सुनेंगे, दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर। चलिए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ह्यूमन डीएनए लेते हैं और उसको एक ले डाउन, उसको एक लाइन में लाइन लगा ले उसकी, तो आप क्या आप सोच सकते हैं कि हम 70 times हम सन से आ और जा सकते हैं, इतना बड़ा हमारा जीनोमिक डीएनए होता है ह्यूमंस का। और अगर हम इसको बुक्स में इसके कोड लिखने लग जाएं तो 600 बुक्स हमें लिखनी पड़ेगी, जिसको रीड करने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में बायोइन्फॉर्मेटिशियन है, यू कैन डू इन वन क्लिक, दैट्स द पावर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलिए हम अब जॉब की बात करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि पिछले 10 सालों में, 5 से 10 सालों में 75 million, इन 7.5 crore जॉब चली गई हैं। कैन यू बिलीव, 7.5 crore टाइप ऑफ जॉब चली गई हैं। लेकिन
133 मिलियन न्यू जॉब आ गई हैं, और वो जॉब कौन सी आई है, दिस इज द फैक्ट। अगर आप देखें कि जो ये जॉब्स का फिगर है, ये मैंने लिंक्डइन, ग्लासडोर, मोस्टर, सिंपल हार्ड जो जॉब देने वाली एजेंसीज है, इनमें यूएस, इंडिया, यूके, जर्मनी के अगर आप जॉब देखें, सबसे ज्यादा जॉब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। और वो कौन सी है, डेटा साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक, बायोइन्फॉर्मेटिशियन, रिसर्च एसोसिएट, साइंटिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट। सो ये ऐसी जॉब है जो आज के टाइम में ट्रेंड कर रही है। चलिए और कुछ फैक्ट्स लेते हैं। एक ये सिंपली हार, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, ये सिंपली हार का रिसेंट सर्वे है जो बताता है कि कंपेयर टू नॉर्मल अदर साइंसेज, जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन है, दे गेट मोर सैलरी एंड दे हैव बेटर चांस टू गेट द जॉब। चलिए कुछ और बातें करते हैं, और रिसर्च की बातें करते हैं। यहाँ पे हम मैंने एक फिगर दिया है एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ज्यादा पॉपुलर है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। आप देखिए यहाँ पर, इवन कंपेयर टू बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज बेटर सैलरी एंड बेटर चांस टू गेट द जॉब। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, ये फिगर्स तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है कि अगर आप यूरोप में जाते हैं तो आपको 2-2.5 लाख से लेकर 8.5 लाख पर मंथ तक आपको सैलरी पा सकते हैं। यूएसए में जो एवरेज सैलरी है एक बार फॉर्मेटिशन की, वो 6 लाख पर मंथ के आसपास है, क्योंकि मैं लगातार 11 साल से इन देशों में जुड़ा हुआ हूं। सो आई थिंक आई कैन टेल इजीली, और इवन दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द रिसर्च। अब यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर आप 2019 और 2027 को कंपेयर करें, तो किसी भी केस में आप देख लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो जॉब है, जो करियर है, उसकी ग्रोथ 5 से 6 गुना ज्यादा होने वाली है। और उसका कारण क्या है, कारण फिर से मैं उसी सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं कि कारण ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के कंधों पे बैठा हुआ है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ग्रो करेगा तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ग्रो करेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर। अब हम और बात करते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिशन कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है। अब कोविड का टाइम आया, कोरोना, हम लोग बहुत सारे लोग, इवन अरविंद सर को कई बार, आई थिंक 2 बार एडमिट रहना पड़ा, इनकी फैमिली पूरी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सामने मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। आई रियली वॉज प्रेइंग फॉर द गॉड। सो आप देखिए कि जब आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, बट उन मेडिसिन को कौन लिख रहा होता है, उन मेडिसिन को कौन बना रहा होता है? आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन, बायोकेमिस्ट आर मेकिंग दोज मेडिसिन। एंड हाउ? फार्माकोलॉजी, कंप्यूटर एडिड ड्रग डिजाइन, इसको बोलते हैं CADD, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बिना अधूरा है। वो कैसे अधूरा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर द वन दो डिजाइन द डोज, कि कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी इन पे पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और आने वाले टाइम में इवन ये और ज्यादा ग्रो करने वाला है। चलिए हम प्रेसिजन मेडिसिन की बात करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जो थोड़े सीनियर हैं या जो 20-25 ईयर्स के हैं, इनफैक्ट जो भी बैचलर्स और मास्टर्स में भी हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि अब से 10 साल पहले जब डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर सिंपली आपको मेडिसिन दे देता था। लेकिन अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका लैब टेस्ट करता है। लेकिन आने वाले टाइम में बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन इतना ग्रो करने वाली है कि सबसे पहले वो आपको DNA टेस्ट करेंगे, और हरेक स्टूडेंट, हरेक पर्सन की मेडिसिन अलग होगी। दैट विल कॉल्ड प्रिसीजन मेडिसिन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मशीन लर्निंग, क्लिनिकल डाटा, जीनोमिक डाटा, बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और मैं एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जीन थेरेपी और कैंसर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, ये बहुत पॉपुलर है। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहते हैं, ये अगेन सर्वे कहता है, रिसर्च ये कहती है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स विल प्ले ए बिग रोल इन कैंसर ट्रीटमेंट। वो कैसे बिग रोल प्ले करेगा? आप देखिए, अगर किसी को कैंसर है तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि कैंसर की हम सिंपली सेल को लेंगे, और दवाई देने से पहले, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, उनकी जो कैंसर सेल है उनको हम कलेक्ट करेंगे। आप देखिए, आप अगर अपनी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैंसर की स्क्रीन सेल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद
उसकी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन चेक की जाएगी और उसके बेस पे मेडिसिन दी जाएगी। तो ये दिस इज अगेन हैपनिंग बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और आप में से ज्यादातर लोग आई थिंक इस बात को एग्री करेंगे कि कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है, और कोरोना के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई है वो है वैक्सीन, और जो वैक्सीन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है अगेन दैट इज प्ले बाइड बायोइन्फॉर्मेटिशियन। और बायोइन्फॉर्मेटिशियन ने कैसे प्ले किया, चलिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप हॉलीवुड मूवी भी देखते होंगे, कि सबसे बड़ा विलन कौन है आज के टाइम में, ये कुछ पॉपुलर हॉलीवुड विलन्स हैं, ये ज्यादा डेंजरस है या कोरोना वायरस? आप सिंपली कहेंगे यस, कोरोना वायरस इज द बिगेस्ट इनिमी, सबसे ज्यादा बुरा कोरोना है, इसने पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अब इनको बचाने वाला कौन है, हमको बचाने वाला कौन है? ये जो सुपर हीरोज हैं, हल्क हो चाहे आयरन मैन हो, ये हमें बचाने वाले नहीं है। आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं, बायोकेमिस्ट जो लैब में रिसर्च करते हैं, दीज आर माई सुपर हीरो, मेरे सुपर हीरो। ये सुपर हीरो हल्क जैसे सुपर हीरो नहीं है, आयरन मैन जैसे सुपर हीरो नहीं है, आप जैसे बायोइन्फॉर्मेटिशियन बायोकेमिस्ट आर माई सुपर हीरो, जिन्होंने वैक्सीन डेवलप करने में साइंटिस्ट की हेल्प की है, दुनिया की हेल्प की है, और मिलियंस और बिलियंस लाइफ को सेव किया है। अब आप जानते हैं कि कितनी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर की हो, एस्ट्रोजिना की हो, कोविशील्ड इंडियन मेड हो, या मैड्रेना हो, या स्पुटनिक रशियन मेड हो, ये वैक्सीन मार्केट में आ गई है, और दीज जस्ट केम बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिशियन। और ओनली वन मेडिसिन इज देयर राइट नाउ इन द मार्केट दैट इज मेड बाय इंडिया, अगेन बायोइन्फॉर्मेटिशियन प्ले बिग रोल। आई एम श्योर कि आप 2DG के बारे में जरूर जानते होंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में जानते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर किसी के फादर को जो है शुगर हुई है तो बेटे को जरूर होगी, अगर फादर के बाल उड़े हैं तो बच्चे के भी उड़ेंगे, अगर फादर को या मदर को कैंसर रहा है तो बेटे के चांसेस ज्यादा होने वाले हैं। आने वाले में टाइम में चीजें बदलने वाली है, इनको बायो इन्फॉर्मेटिशन बदलने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं कि वो जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और हम उनको हटा सकते हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एग्रीकल्चर, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी हैं, एग्रीकल्चर सुबह मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक स्टूडेंट से, वो अभी भी सेमिनार में जुड़े हुए हैं। आप जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आपको एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपको फूड क्रॉप की डिमांड बढ़ेगी, खाना कहाँ से आएगा, और खाना आने के लिए जगह तो वही है। अब भारत की सीमाएं तो बढ़ने वाली है नहीं, हम पाकिस्तान या चाइना तो वैसे ही लड़ाई कर रहे हैं, वो हमारी जमीन पे वैसे ही कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम फाइट कर रहे हैं, तो लैंड तो हमारे पास बढ़ने वाली नहीं है, वही रहेगी। लेकिन हमें करना क्या होगा, हमारे पास बहुत बड़ा लैंड ऐसा है जो हम उसको खेती नहीं कर सकते, जैसे कि रेतीला लैंड है, ऐसा लैंड है जहाँ पे सलाइन वाटर है, जहाँ पे ड्रोट है, सूखा पड़ा हुआ है। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन ऐसी रिसर्च इन्वॉल्व करें, इनफैक्ट ये बहुत पॉपुलर है आज के टाइम में, कि जो लोग पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड या फिर ड्रोट टॉलरेंट, स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स को डिजाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं अब अगेन पूरे जोर देके और जिम्मेदारी के साथ ये स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, यू मस्ट गो इन दिस फील्ड। और देन यू नो, आप अपनी लाइफ नहीं बदलेंगे, आप किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतने किसान भाई मारे जा रहे हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स इसमें हो रही है, आप किसानों की लाइफ को, एक पॉलिटिशियन नहीं, आप कोई नेता नहीं, आप लोग किसान की लाइफ को बदल सकते हैं, आप लोग उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, नए नए बीज ईजाद कर सकते हैं, और ऐसी 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 फसल ईजाद कर सकते हैं पानी की कम जरूरत पड़े, खाद और पानी की कम जरूरत पड़े। इसके बाद ये सेंट्रलाइज डेटा एनालिसिस, अगेन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम डेटा के एनालिसिस करते हैं, हम समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। अब आप देखिए, ये एक बोर्ड है किसी भी टीवी का या मोबाइल फोन का, ऐसे ही हमारी बॉडी में कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस को ओनली बायोइन्फॉर्मेटिशियन कैन कनेक्ट, किसी आम आदमी के बस की बात ये नहीं है। अब हम बात करते हैं न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, बहुत नया वर्ड है,
कि हमारे न्यूरो कनेक्शंस को समझना, न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स, ये एक बड़ा नया ग्रोइंग फील्ड है जो आज के टाइम में बढ़ रहा है, और प्रोटियोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिस पे मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं, जिसमें हम नए नए एंजाइम की इजाद कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री से केमिकल्स को हटा सकता है। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद 15 साल से एंजाइम सोर्सिंग, मशीन लर्निंग, जीनोम मैपिंग, एंजाइम इंजीनियरिंग पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 5 साल से हम लोग एक एंजाइम पे काम कर रहे थे जिसमें हमारा टारगेट था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके कार्बोनेट में बदल दें। इस एंजाइम का नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो हमने इसको पा भी लिया और इसको हमने समुद्र से 2 किलोमीटर नीचे से देखा, डिस्कवर किया, और ये बहुत ही रोबस्ट एंजाइम था, किसी भी कंडीशन में काम कर सकता था। लेकिन हमने क्या पाया कि इसकी एक्टिविटी बहुत कम थी। आप देखिए, ये मेरा एंजाइम है, और जब हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें अप्लाई किया, हमने पाया कि ये एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और जब हमने इसको कंपेयर किया, हमने 3 एमिनो एसिड्स को पाया, और जब हमने इनको चेंज किया, आप देख सकते हैं कि एक सिंपल हेल्प और बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंजाइम की एक्टिविटी 17 टाइम्स बढ़ गई। आई थिंक मुझे इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि कैसे हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वैल्यू को नॉर्मल केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जस्ट लास्ट फ्यू स्लाइड आई वांट टू शेयर कि अब आई थिंक यू आर मोर देन कन्विंस कि अगर हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल सर्विस में जा सकते हैं, आप पेटेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप क्लिनिकल बायोफॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर बायोकेमिस्ट में जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, और एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कोई मुझे बताएगा कि एक साइंटिस्ट है जो इन प्राइम मिनिस्टर बने? कोई मुझे चैट में बताएगा, कोई भी स्टूडेंट, कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो कौन से साइंटिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने? केवल चाय बेचने वाले ही साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, साइंटिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्या कोई बताएगा? चलिए, मैं चैट देख रहा हूं, कुछ चैट्स है मेरे पास, लेकिन किसी में अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। मार्गरेट थैचर, यूके की पीएम रही हैं ये 1979 टू 1990, 11 साल तक यूके की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रही हैं ये, और ये एक साइंटिस्ट थी। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ही वाज अ साइंटिस्ट। आई थिंक इन लेडी को तो आप ऑलमोस्ट सब जानते होंगे, एंजेला मोर्कल, ये एक साइंटिस्ट हैं और काफी लंबे टाइम से जर्मनी की चांसलर हैं। जैसे हम लोग इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, जर्मनी में चांसलर बोलते हैं। तो आप आई थिंक मोर देन एनफ ये बताने के लिए कि अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री लेते हैं, यू कैन गो इन एनी फील्ड, ऑल फील्ड्स आर ओपन फॉर यू। ये एक, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये अगर आपने एमएससी कर लिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, इवन बीएससी भी कर लिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, ये लीडिंग कंपनी है जो इंडिया में अवेलेबल है, जिनको करने के बाद, चाहे वो बायोकेन हो, एस्ट्राजेनेका हो, जिसने अभी अभी ये वैक्सीन बनाई हो, फाइजर का भी इंडिया में, मतलब इंडिया और यूएस के बेस्ट है वैसे तो, ये यूके, टाटा कंसल्टेंसी है, जायडस है, कैडिला है, ये सारी कंपनियां बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जॉब के लिए हायर करती है। नॉट ओनली इन इंडिया, अगर आप विदेश की बात करें तो विदेशों में ये बड़ी कंपनीज हैं, और उनमें सबसे बड़ी डिमांडिंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, जीन एडिटिंग, प्रिसीजन मेडिसिन, जीन सिक्वेंसिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग, माइक्रोफ्लूइड्स, बायो प्रिंटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी जॉब ऐसी हैं जो दोज आर बेस्ड ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप खुद से ये, इट्स मार्च 2021 सर्वे, तो और 4,351 स्टार्टअप्स आर ऑल्सो देयर, दोज आर लुकिंग फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिशियन। आप खुद से इन सबको, आपको इनकी रिसर्च करनी चाहिए। डोंट लिसन टू मी, जस्ट गो एंड रिसर्च योर सेल्फ। चलिए मैं आपको कुछ अब एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लीडिंग लोगों से मैंने बात की, जो एक प्रोफेसर मैथिस डोरिंग पीएचडी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से, ये क्या कहते हैं कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज नॉट ओनली बायो, इट इज मोर मैथमेटिक्स आल्सो। ये बोलते हैं, डू नॉट स्टडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स इफ यू थिंक
that it is very similar to studying biology. Note that biometrics is more related to computer science than biology. Computer science में आप master हो जाते हैं और that's why you are more earning. So ये इनका कहना है कि ये word से bio informatics is not only about biology. Even जो mathematics background से आते हैं, they are even more successful. तो आप किसी भी फील्ड से आते हैं, चाहे वो आप मैथमेटिक्स फील्ड से आ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहे हैं, आप बायो फील्ड से आ रहे हैं, यू कैन बी ए सक्सेसफुल, यू कैन हैव ए सक्सेसफुल करियर इन बायोइनफॉर्मेटिक्स. चलिए, डॉक्टर पीटर बेक्टन की बड़ी प्यारी बात कही कि ही सो सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ ग्रेट करियर, वर्क सेटिस्फेक्शन इन बैलेंस लाइफ एंड वर्क फॉर द ह्यूमैनिटीज. और कुछ मैं और ये साइंटिस्ट का जो लाइफ. Hi guys, I'm Chi, a master in medicine. I can say that medicine is incomplete without bioinformatics. Bioinformatics is the future of the medicine, like cancer treatment, precise medicine, and vaccine discovery. I hope आपने लिसन किया. ये एक मेडिसिन पे काम करती हैं, मेडिसिन में रिसर्च करती हैं. She was my colleague. So मैंने इनको बोला कि आप बायोइनफॉर्मेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहती हैं. उन्होंने बोला कि बायोइनफॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन. और जो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन की लास्ट फ्यू स्लाइड में, उन्होंने वही चीजें बोली. अगर आप एक केमिस्ट से सुनिए. हेलो, आई एम प्रशांत, आई एम केमिस्ट. आई मस्ट से द केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट बायोइनफॉर्मेटिक्स. सो बायोइनफॉर्मेटिक्स इन द फ्यूचर. सो ये केमिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि बायोइनफॉर्मेटिक्स इज द फ्यूचर, की केमिस्ट्री बायोइनफॉर्मेटिक्स के बिना अधूरी है. चलिए हम लास्ट लेते हैं कि ये हैं साइंटिस्ट. ये वेरी सीनियर साइंटिस्ट. इंजीनियर वर्रादास, आई एम अ साइंटिस्ट. आई डिड माय पीएचडी इन बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर, एंड फॉर दैट यू नीड नॉट अ डिग्री बट अ स्किल. सो लर्न टू प्रोग्राम. मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इस बात को लिख लें कि मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर. Degree is not enough. You need skills. Dr. Didier is my friend. Even he was ये जो मेरा Times of India के front page पे जो हमारी research आई थी, ये उसमें मेरे collaborator थे. तो I think इनकी जो line है, अगर आप लिख लें इन सब तीन या पांच जो scientist मैंने अभी share किया, I think इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं खुद जनता वाइज कॉलेज से आके different countries में काम करके आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपके सामने बातें कर रहा हूँ. चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्वांटम केमिस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और चाहे बायोइनफॉर्मेटिक्स हो, उनके व्यूज मैंने आपको बताए. और अब मैं आपको कुछ जस्ट फ्यू मोर स्लाइड्स, क्योंकि आई हैव लाइक आई वाज टारगेटिंग 45 मिनट, आई हैव 4-5 मोर मिनट, देन आई विल हैव अनदर स्पीकर. सो टॉप बायोइनफॉर्मेटिक्स कॉलेज इन इंडिया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टारगेट कीजिए, चाहे जैसे मैंने पहले ही बताया IBAB बेंगलुरु, JNU, IIIT, IBB, BIT और NIT वारंगल. अगर आप इनके एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, दैट इज वंडरफुल. और मैं थैंकफुल हूं जनता मेडिकल कॉलेज का, उन यहाँ के प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट का, सीसीएल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, कि इन्होंने इन कंट्री इन इंस्टीट्यूट में जाने की बजाय हमारे लोकल क्षेत्र में जनता मेडिकल कॉलेज में बायोइनफॉर्मेटिक्स फील्ड दिया है. बायोइनफॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से रहते हुए ये पढ़ाई कर सकते हैं. आई एम श्योर कि मनोज सर या अरविंद सर विल टेल मोर अबाउट यू अबाउट देयर प्रोग्राम, बट आई एम रियली ग्लैड और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये चीजें अरेंज की, क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना कितना टफ होता है. मैंने खुद, मुझे पूरा एक साल लगा था आई नेट क्वालिफाई करने के लिए. तो मैं, और अगर आप विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद 15 साल से विदेशों में रह रहा हूं, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड, MIT, यूनिवर्सिटी वाशिंगटन, कैलटेक, मिशिगन, कैम्ब्रिज एंड येल यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस में मैंने काम किया है 3 साल तक, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में. ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप मास्टर्स और बैचलर के बाद जा सकते हैं अगर आप विदेश में जाना चाहते हो. अब मैं केवल कुछ वेरी ब्रीफली, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ मास्टर स्टूडेंट्स भी हैं जो PhD करना चाहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि हम लोग फेलोशिप कैसे ले सकते हैं. तो अगर आपको फेलोशिप लेनी है बैचलर के बाद भी और मास्टर्स के बाद भी, ये IIT, ICT और ISER एग्जाम कंडक्ट कराती हैं,
जिनको क्वालिफाई करने के बाद आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको मास्टर्स में भी जा सकते हैं वहां पे और पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो ये और बहुत सारी आप इसका पिक्चर ले सकते हैं। जिस स्टूडेंट से मुझे पूछा था ये क्वेश्चन, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, यूजीसी सेफ जेआरएफ एसआरएफ प्रोजेक्ट बेस्ड फेलोशिप, एजुकेशनल ट्रस्ट, यूजीसी स्पॉन्सर राजीव गांधी फेलोशिप और यूजीसी स्पॉन्सर पीएचडी फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी, जो मुस्लिम भाई बच्चे हैं हमारे उनके लिए भी अवेलेबल है। तो ये फेलोशिप्स है जो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों को ये भ्रांति रहती है, उनको लगता है कि भाई नहीं हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अच्छी एजुकेशन नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स है, अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैंने आज तक पूरी एजुकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू पीएचडी टू पोस्ट डॉक मैंने 10,000 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में रही हुई है और फेलोशिप के साथ हुई है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं विदेशों की। अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं, आपको जीआरई, टोएफल, आईलेट्स कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, और इनके अलावा भी आपको जैसे डैड है जर्मनी की, नेहरू फुलब्राइट है, जेएसपी है जापान की है, तो कुछ डिफरेंट कंट्रीज की फेलोशिप्स अवेलेबल है जिससे आप विदेशों में भी जा सकते हैं। तो चाहे वो इंडिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, और मैनी कंट्री लाइक कोरिया, जापान, ताइवान, बहुत सारी कंट्रीज इंडियंस को भी फेलोशिप प्रोवाइड कराती है विदेशों में मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए। तो आप किसी भी लेवल पे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, अगर आप आईआईटी नहीं जा पाए, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्टिल यू कैन मेक ए वेरी गुड एंड वेरी ब्राइट करियर। पीएचडी के लिए जैसे मैंने बताया टोएफल और जीआरई एग्जाम होते हैं, जिसमें केवल वो देखते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, हाउ कैन यू स्पीक, क्योंकि वहां पे जब आपको पढ़ाई जाएगी, वो तो इंडियन नहीं है, उनको तो हिंदी नहीं आती है, वो आपको अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, वो आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे। वो केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनकी बात को समझ सकते हैं, क्या आप अपनी बात को उनको समझा सकते हैं। दैट्स द ओनली पर्पस फॉर दिस एग्जाम। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कोई भी, अब जो मैं, हाँ, मेरी वाइफ है अनुपमा शर्मा, वो आईआईटी दिल्ली से एमटेक है और मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। अब उन्होंने देखो, उन्होंने 3 बार टोफिल क्वालिफाई किया और 3 बार जीआरई क्वालिफाई किया है, और अमेरिका में फिजिक्स मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। तो हम लोग नॉर्मल जगह से आके, मैंने नेट गेट क्वालिफाई किया है, तो मैं जाट कॉलेज से आके क्वालिफाई कर सकता हूँ, वो मुजफ्फरनगर से आके क्वालिफाई कर सकते, तो आप सब एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आई थिंक मैं इससे ज्यादा जोर नहीं दे सकता आपको। और अगर आपका माइंड है स्टार्टअप्स में, जो इंडियन गवर्नमेंट है आज के टाइम में स्टार्टअप्स पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है, मोदी गवर्नमेंट स्पेशली आपको फंडिंग दे रही है, तो आप देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, पायरोवेयर, इंजिनजाइम, कैबोटिक्स, क्रॉप इनहेंसमेंट, जो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के, या बायोलॉजी से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आप इस तरह के स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं आफ्टर योर मास्टर्स और बैचलर डिग्री। तो आई थिंक इससे ज्यादा मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, इंडिया हो, एब्रॉड हो, बिजनेस हो, आप हरेक फील्ड में जा सकते हैं, बट यू नीड स्किल्स। आप स्किल्स के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्किंग स्किल। एक स्किल जो इंपॉर्टेंट है, आप एक रिसर्च, अगेन जैसे मैंने ज्यादातर मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, दोज ऑल आर रिसर्च बेस्ड। रिसर्च क्या कहती है कि 70% ऑफ जॉब्स आर नॉट लिस्टेड इवन, उनका एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होता। और ये केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो आपको रिजर्वेशन की चीजें आ जाएंगी, आपको भाई भतीजावाद आ जाएगा, पॉलिटिशियन का फोन आ जाएगा, लेकिन ये विदेशों में भी उतना ही सच है। विदेशों में रिजर्वेशन नहीं चलता, विदेशों में पॉलिटिशियन मिनिस्टर के फोन नहीं चलते, डायरेक्टर की सोर्स नहीं चलती, लेकिन वहां पर भी नेटवर्किंग चलती है। और नेटवर्किंग कैसे चलती है, आप अपने जूनियर से, सीनियर से, अपने टीचर से, आप लिंक्डइन पे आप उनसे कनेक्टेड रहिए। तो इनमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि 90% जो जॉब है वो लिंक्डइन पे आती है, ट्विटर पे आती है। आपको केवल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ही, ट्विटर पे इन पे एक्टिव नहीं रहना है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहना, आपको लिंक्डइन पे भी आपका प्रोफाइल होना चाहिए। जैसे ही आप 12th पास करते हैं, यू शुड बी वेरी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि 90% जॉब्स आर एडवर्टाइज ऑन द लिंक्डइन। आपको यहाँ पे नए नए प्रोफाइल उनको देखना चाहिए, अगर कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, बड़ी पोजिशन पे है, उन्होंने कौन कौन से स्किल उन्होंने अर्न किए हैं, कौन सी डिग्री उन्होंने ली है। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी रिसर्च आप अवेलेबल। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं
कि सर मैं तो बड़ौत में हूँ, मैं तो बागपत में हूँ, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मैं बरेली में हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, या फिर लाइब्रेरी नहीं है, या फिर ये नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है। आपको जरूरत नहीं है। आप देखिए गवर्नमेंट ने, MHRD ने ये ई कंटेंट इतना अवेलेबल है, NPTEL बहुत फेमस है। लास्ट ईयर में जब जाट कॉलेज में आया था तब भी मैंने इसके ऊपर सेमिनार दिया था कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो ISC बैंगलोर हो, IIT हो, वहां उन्होंने देखिए 2003 में लॉन्च किया है और मोर देन 1000 कोर्सेज अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन EDX। अब किसी बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लीजिए, चाहे वो MIT हो, हार्वर्ड हो, MacGill हो, Caltech हो, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, TUM यूनिक हो, हमारा कोलेबोरेशन है उनके साथ में, आप पाएंगे कि ये कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। 10,000 million स्टूडेंट, 1 crore से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? और ज्यादातर कोर्स इनमें से फ्री अवेलेबल हैं। मैं इसके साथ अपनी बात एंड करता हूं, ये कहते हुए कि क्योंकि हम बायोइनफॉर्मेटिक्स की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि प्रोफेसर जेम्स वाटसन को हर कोई जानता होगा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं बताता हूं कि मैंने 7 दिन मुझे प्रोफेसर जेम्स वाटसन के साथ बिताने का मौका मिला, सर रिचर्ड रॉबर्टसन को बिताने का मौका मिला, जिन्होंने 1993 और 1962 में इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला, और दोनों ही बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, पावर ऑफ योर ड्रीम, यू शुड फॉलो 4 P's, पर्पज, पैशन, पॉसिबिलिटी एंड पावर ऑफ योर ड्रीम। सो यू शुड हैव ए ड्रीम एंड फ्यूचर प्लान इन योर माइंड एंड स्माइल ऑन योर फेस। इसी के साथ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि नॉट ओनली बायोइनफॉर्मेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ की बुक के अलावा प्लीज कुछ पेजेज इन मोटिवेशनल बुक्स के जरूर पढ़िए। आज भी ये बुक्स मेरे पास में है, सोने से पहले मैं 5-10 मिनट 15 मिनट से आधा घंटा इन बुक्स को जरूर पढ़ता हूँ, 2-4 पेज। सो आप इनमें से कोई भी बुक हिंदी या इंग्लिश में आपको पढ़नी चाहिए। और इसी के साथ मैं फिर से थैंक यू करता हूँ रेस्पेक्टेड अरुण सोलंकी सर, रेस्पेक्टेड मनोज कुमार सर, अरविंद सर और मेरे सीनियर JB सर, और आप सभी स्टूडेंट्स को कि ऑलमोस्ट 48 मिनट्स आपने मुझे सुना, और मैं या तो अभी या बाद में मे बी ऋतु तोमर के प्रेजेंटेशन के बाद मैं यहीं पे रहूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे हिंदी और इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ओवर टू बैक टू अरविंद सर और मनोज सर, थैंक यू सो मच अगेन। धन्यवाद रामकिरण जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बातों को समझाया, आशा है कि बच्चे आपकी बातों से जरूर लाभान्वित होंगे। अब मैं मिस्टर मनोज कुमार जी को देता हूं कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। मनोज जी आप अनम्यूट कर लें जी। मनोज सर को मैं होस्ट बना देता हूं। ये मनोज क्या नाम है सर उनका पूरा, मनोज पारिक या मनोज क्या पारिक। ओके ओके, मैं सर उनको हाँ वो हो गए हैं, को होस्ट हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, एक्चुअल में नाम मेरा भी मनोज कुमार शर्मा ही है, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा ना हो इसलिए ये मनोज पारिक किया, इसमें कंफ्यूजन कॉलेज में ही रहता है सही। बहुत ही बहुत आदर के सम्मान हमारे प्राचार्य जी, अरविंद सर, GP सिंह सर, मेरे गुरु जी मनोज कुमार शर्मा जी, सचिन जी, और मेरी पहली मुलाकात हुई है रामकरण सर से, तो मैं बहुत हृदय की गहराइयों से सर सम्मान करता हूँ, बहुत के आदर से आपका स्वागत करता हूं सर। और जिस तरीके से आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को एक्सप्लोर कर दिया है बच्चों के लिए अतुलनीय है, अकल्पनीय है। मेरे लिए तो इन बच्चों को जो आपने संदेश दिया है ये बहुत ही अच्छा सर, एक लंबे समय तक बच्चों के पास ये रहेगा। हमारी आपकी जूनियर कहेंगे क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हुए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट की छात्रा रही हैं ऋतु तोमर, वो आज DBT इंस्पायर फेलोशिप उन्होंने ली है और इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट हैं डॉक्टर GPS राघवा, उनके अंडर वो PhD कर रही हैं IIIT दिल्ली से। मैं
गुजारिश करूंगा ऋतु जी से कि वो आए और इस फील्ड के बारे में जैसे रामकरण सर ने बताया उससे आगे की बातें वो एक्सप्लेन करें। ऋतु जी, थैंक यू सो मच सर फॉर द वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे सभी अध्यापक गण और डॉक्टर रामकरण जी को प्रणाम करना चाहूंगी। साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं अगर आज यहाँ पर PhD कर रही हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई। मनोज सर, सचिन सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरा हौसला बढ़ाया ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। और मैंने मास्टर्स जनता वैदिक कॉलेज से ही किया है तो मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में ज्यादा क्या कहूँ, सब कुछ तो रामकरण सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है बहुत अच्छे से, तो अभी मुझे लगता नहीं है मुझे आगे कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देना चाहूंगी। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन, गिव मी अ सेकेंड। जब तक ये स्क्रीन शेयर कर रही है मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हैं। रितु जी जब आप शेयर कर लेंगी तो देन यू विल कंटिन्यू, बाय द टाइम आई विल आंसर। सर देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक फ्रॉम माय साइड, एक्चुअली आई एम नॉट सीइंग एनी ऑप्शन फॉर शेयरिंग स्क्रीन। ओके, आई थिंक हु कैन शेयर, आई ऑलरेडी पुट लाइक ऑल पार्टिसिपेंट कैन शेयर, और आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। I'm just trying, but there is some problem. Yeah, maybe you can rejoin. आप एक बार join. I'll try. जी जी, मैं आपको फिर से कोस्ट बना दूँगा. Okay, thank you. जी जी. जी रितु जी, यू आर नाउ को होस्ट। जी रितु जी, आप actually still there is some problem. I'm not able to share my screen. Oh, okay. आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि मुझे karan@gmail.com पे भेज दीजिए और मैं स्क्रीन कर दूँ, शेयर कर दूंगा आपके भी आप पे, अगर भेज सकते हो, अगर बड़ा ना हो प्रेजेंटेशन। karan@gmail.com Okay sir, I'll send.
जी, तब तक मैं वो आए तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आपने जो एमएससी की है या बीएससी किया वो कैसे किया है। मैंने जो बीएससी किया है बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से किया है, जनतावादी कॉलेज से ही, और मैंने एमएससी केमिस्ट्री से किया है। नेट और जेआरएफ मैंने जो क्वालिफाई किया था गेट, वो केमिस्ट्री से किया, लेकिन फिर मैंने जो रिसर्च है वो बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शिफ्ट कर लिया। तो मेरी जो रिसर्च है पिछले 15 सालों से, दैट इज मोर टुवर्ड्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। सो दैट इज द आंसर। और यस, सो कुछ एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा है कि क्या मैं काउस से इंटर्नशिप कर सकते हैं। यस, अगर आपने एमएससी किया है किसी भी फील्ड से किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो, तो यहाँ से वीएसआरपी, विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम, वीएसआरपी काउस्ट करके आता है। तो उसमें अच्छी चीज ये है कि आपको आने जाने का टिकट और आपको $1,000 पर मंथ, अराउंड 75,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हम लोग बियर करेंगे, और रहना भी आपको फ्री होगा, रहने के लिए भी घर दिया जाएगा आपको। और बड़ी चीज ये है कि अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, देन यू हैव मोर चांस टू गेट पीएजी और समथिंग बेटर। हालांकि उसके बाद आपको जीआरई टोफिल या एटलीस्ट टोफिल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन में आया, ओके, इन्होंने लिखा है कि आई थिंक ये तो ऑलरेडी मैं आंसर कर दिया है कि वो बीएससी कर रहे हैं साइंस से, तो कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा। आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत सारे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सर ज्यादा फील्ड अच्छा कौन सा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या जेनेटिक्स। तो मैं कहूंगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि जो जेनेटिक्स है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बिना आप हो ही नहीं सकता। तो मैं कहूंगा कि जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स डीलिंग द डीएनए। आप डीएनए को बिना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डील कर ही नहीं सकते, आप कोड को रीड कर ही नहीं सकते बिना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। सो ऑफकोर्स इनफैक्ट आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स करते हुए, अब देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप, जैसे मैंने बताया, आप क्लिनिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं, आप मेडिसिन में जा सकते हैं, आप कंप्यूटेशनल साइंस में जा सकते हैं, आप पेटेंट में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, आप कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में जा सकते हैं, जहां पे आप केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स का इंटरेक्शन देखते हैं। सो फिजिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हैं। आपका जो फील्ड है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक में आप कंप्यूटेशनल और बायोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओके करण iit@gmail.com। मैंने यहाँ पे भी I have sent it। जी जी जी, ओके। जो भी बाकी स्टूडेंट्स आप अपने, ओके सर, व्हेन आई चूज दैट, ओके सर, बीएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट्स कैन डू मेसी, या ऑफ कोर्स अरविंद सर, मनोज सर, मनोज सर, सब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या जो जिनके पास केमिस्ट्री है बीएससी में, ऑफ कोर्स वो दे कैन गो बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी जी, तो यस यस, मुझे मिल गया आपका प्रेजेंटेशन, मैं अभी उसको अपलोड करता हूं और मैं शेयर करता हूं। सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन तब तक कोई इच्छुक के, आई थिंक हम लोगों ने, चलिए मैं आपका, ये मिल गया है मुझे, और मैं अपना बंद करता हूं और मैं ये आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। ओके, सो शेयर स्क्रीन। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? थैंक यू सो मच सर। एंड ओके, आप जैसे ही नेक्स्ट करना होगा मुझे नेक्स्ट बोल दीजिएगा, आई विल डू नेक्स्ट। या थैंक यू सो मच सर, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो आपको मेरे बारे में सर ने बता ही दिया है, मनोज सर ने, कि मैं पीएचडी कर रही हूँ एंड मेरा मास्टर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, जनता वैदिक कॉलेज से ही हुआ है।
मुझे भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं था जब मैंने जेबीसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, एंड देन जैसे जैसे मुझे सर गाइड करते गए बस मैं उनकी बातों को फॉलो करती गई और मैं आगे बढ़ती गई, और आज मेरे पास DST इंस्पायर की फेलोशिप है। मैंने मास्टर्स में अच्छे मार्क्स लिए थे जिसकी वजह से मुझे ये फेलोशिप मिली, एंड मुझे CCS यूनिवर्सिटी से मेडल भी मिला था फर्स्ट रैंक के लिए। तो सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में ऑलरेडी सर सब कुछ बता चुके हैं, मैं जस्ट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक इंटीग्रेशन है मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशनल मेथड्स का, जो कि बायोलॉजिकल बायोकेमिकल और बायोफिजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। ये कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन है जो कि मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल डेटा की एनालिसिस में हेल्प करती है, जैसे कि हमारे DNA सीक्वेंसेस या RNA सीक्वेंसेस या फिर हमारे प्रोटीन सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स हर जगह अभी अप्लाई की जा रही है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, ड्रग डिस्कवरी हो, प्लांट मॉडलिंग हो, जीन थेरेपी हो या कोई भी अदर फील्ड्स हो। बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो जो मेन रोल प्ले कर रही है अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो ड्रग डिस्कवरी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त उसने काम किया है कोरोना वायरस के केस में। ड्रग टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ले तो। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले इतनी सारी डेथ्स की जाती थी, मॉडल्स यूज किए जाते थे। हम अगर एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स को एज अ मॉडल यूज करते थे, वो कॉन्टिन्यूसली हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। हम बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते थे और फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो रहा है तो वो बहुत सारे एनिमल्स को पहले मारने के बाद हमें एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हमें मिलता था। लेकिन अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम कंप्यूटेशनली चीज़ों को टारगेट करते हैं, जब हमें बहुत अच्छे स्कोर्स मिल जाते हैं तब हम उसको यूज करके किसी एक मॉडल के ऊपर यूज करते हैं। तो उससे एक तो हम जो एनिमल्स हैं उनको हार्म नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम बहुत ही इजीएस्ट वे में सारी चीज़ें कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बहुत हेल्प कर रहा है हर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम इसके थ्रू। और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, जस्ट लाइक अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो क्रॉप ब्रीडिंग क्रॉप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, बायोटिक रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, बहुत चीज़ों में हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडिया में कब आया? बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में बना, तभी से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को शुरू किया गया। 1987 में बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क को बनाया गया जिसके अंदर 168 केंद्र स्थापित किए गए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बिट्सनेट का मेन फोकस जो था वो बुनियादी ढांचे के निर्माण और मानव संसाधन विकास पर जोर देना था। बायोटेक्नोलॉजी के को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडिया में आई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को बिल्ड किया गया है। डेटा शेयर करना, उसके साथ साथ कंप्यूटिंग संसाधनों के प्रमुख केंद्रों को जोड़ने वाला जो समर्पित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क था वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू डेवलप किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम इंडिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स अगर करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, तो डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत मेजर और बहुत मोस्टली सब कुछ तो सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो बस मैं बहुत ही मेजर चीजों पे फोकस कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज हम JNU से कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, मदुरई कमराज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से हमें डिप्लोमा कोर्सेज हम कर सकते हैं इजीली।
अगर हम बात करें मास्टर्स कोर्सेज की तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, डीवाई पाटिल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से हम मास्टर्स कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने मास्टर्स कर लिया, हमने डिप्लोमा कर लिया, हमें अगर आगे पीएचडी करना है या फिर हमें आगे जॉब्स चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करनी होगी एंट्रेंस एग्जाम की। हम कोई छोटी से छोटी भी जॉब करते हैं तो उसके लिए हमें एंट्रेंस देना ही पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स में हम क्या क्या दे सकते हैं? हम CSIR नेट दे सकते हैं, DBT नेट दे सकते हैं, ICMR है, गेट है, टिफर है, BARC का एग्जाम है, ASRB नेट है, या फिर हम एक फेलोशिप ले सकते हैं जिसे हम DST इंस्पायर फेलोशिप कहते हैं। ऑलरेडी मेरे पास है वो फेलोशिप। वो फेलोशिप हमें तब मिलती है जब हमारा मास्टर्स में सबसे अच्छी रैंक हो, हमारी फर्स्ट पोजिशन आई हो ओवरऑल हमारे क्लास में, एंड उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारी क्लास में मिनिमम 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेजेस सबको मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, जो बहुत इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम PhD करना चाहें तो PhD हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? PhD के लिए भी इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें से कुछ ही पार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे CSIR इंटेक है, CSIR IGIB, JNU, IIT मद्रास, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IBAB, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, एम्स एंड आईसर। आईसर के भी बहुत सारी ब्रांचेस है जहाँ से हम इजिली PhD कर सकते हैं, बट हमारे पास उसके लिए क्वालिफिकेशन में नेट होना चाहिए। उसके बाद हम PhD भी कर लिया, नेक्स्ट PhD भी कर लिया हमें अब कंपनीज अगर हमें देखनी है, हम मास्टर्स के बाद भी डायरेक्ट हम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं या हमें किसी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में जाना है तो उसके लिए हमें नेट की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज हम डायरेक्ट कंपनीज में अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो मेजर कंपनीज है जहाँ पर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत काम होता है, वो है बायकॉन, CSL, बायो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, TCS लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्माक्यूटिकल, साइंस जीनोम्स, ट्रेंड लाइफ साइंसेज, विप्रो, पेंशिया बायोटेक, HCL लाइफ साइंसेज। यहाँ पर हम इजीली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। हमने मास्टर्स कर ली, हम PhD भी कर सकते हैं, हम आगे क्या क्या हम जॉब पोजीशंस हम इजीली हमें मिल सकती हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके। तो फर्स्ट हमारा हमें मिल सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के जॉब, क्योंकि हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटेशनल टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, तो वहां पर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत इजीली सीख जाते हैं, तो हम यहां पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब हमें इजीली मिल सकती है। हमें बायोइन्फॉर्मेटिशियन की जॉब मिल सकती है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की जॉब हमें मिल सकती है, रिसर्च साइंटिस्ट की तो ऑब्वियसली हमें जॉब मिल ही जाएगी यहाँ पर, डेटा साइंटिस्ट की भी जॉब हमें बहुत इजीली मिल सकती है, हम एजुकेटर भी बन सकते हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को और अच्छे से आगे कन्वे कर सके, हम फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं, बायोस्टैटिस्टिशियन भी हम बन सकते हैं। एंड अभी बातों से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में इतना सब कुछ तो बता रहे हैं बट पता नहीं जॉब आती भी है इसमें या नहीं आती है, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ, कुछ रीसेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट है NIPGR दिल्ली में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अक्टूबर की सारी जॉब पोजिशंस है, कोई प्रोजेक्ट पोजिशन है, कोई GRF पोजिशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, SRF पोजिशन, रिसर्च एसोसिएट पोजिशन। तो NIPGR प्लांट इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी इतनी सारी पोजीशंस अगर अक्टूबर में निकली हैं तो आप कह ही नहीं सकते कि हमें इस फील्ड में आने के बाद जॉब नहीं मिलेगी। उसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे NBPGR है, NBPGR में भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स निकली हुई है जॉब एप्लीकेशंस के लिए। उसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स में भी पोजीशंस निकली हुई हैं, जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर, एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर नवी मुंबई, यहाँ पर भी पोजीशन निकली हुई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स उन्होंने मांगा हुआ है। और अगर आप सैलरी भी देखें तो यहाँ पर सैलरी भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 24,800 पर मंथ वो दे रहे हैं। उसके अलावा हम NII की बात करें तो NII में भी सर लास्ट लाइन
एनआईआई में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी पोजीशंस निकली हुई हैं अभी रिसेंटली, तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आने के बाद हमें जॉब पोजीशंस नहीं मिलेंगी, यहाँ पर बहुत सारी जॉब पोजीशंस अवेलेबल होती हैं एंड एवरी मंथ यहाँ कोई ना कोई पोजीशन निकलती है। अब अगर हम बात करें एनुअल एवरेज पे स्केल की, मैं बहुत लीस्ट पे स्केल बता रही हूँ, तो अगर हम सबसे लीस्ट अगर हम फुल स्टैक डेवलपर की भी अगर सैलरी देखते हैं एनुअल सैलरी, तो वो भी 4 लाख मिनिमम है, मिनिमम टू मिनिमम सैलरी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो मिनिमम 4 लाख से और 15 लाख जो कि मैंने हाईएस्ट कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की मैंने अगर यहाँ पे सैलरी की बात करूँ, तो ये एक बहुत ही मिनिमल एनुअल एवरेज पे स्केल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इतना आपका एवरेज पर ईयर आपको मिल ही जाएगा। और अगर आप इस फील्ड में कंटिन्यू करते हैं और आगे बहुत मेहनत करते हैं तो आपको इससे कई गुना ज्यादा अच्छा पैसा यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट थैंक यू। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ सर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू रितु, बहुत अच्छे से आपने, क्योंकि आप यहीं से पढ़े हो और आप यहाँ तक पहुँचे हो और आगे जैसे सोलंकी सर ने पिछली बार जब आपका सम्मान समारोह था उसमें सोलंकी सर ने कहा था कि बहुत जल्दी आप एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ से आप कहोगे कि समय नहीं है, लेकिन आपको सीखना चाहिए रामकरण सर से कि समय निकालना पड़ेगा आपको हमारे लिए और जहाँ जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि रामकरण सर ने ये सेट कर दिया है आप सबके लिए, है ना? तो जरूर सर। अब चूंकि आपने रामकरण सर ने और आपने इतनी चीजें बता दी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, मैं थोड़ा सा हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो हमारे यहाँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, और ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन कुछ डेवलपमेंट हमारी है वो उन चीजों को मैं, स्क्रीन सर आ रही है मेरी? जी सर आ गई सर, जी सर आ रही है जी। ये है हमारा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जनतावादी कॉलेज वडौस। 2007 में हमारा ये डिपार्टमेंट शुरू हुआ और जैसा लास्ट नाम आप देख पा रहे होंगे रितु तोमर, जो आज इस डीबीटी इंस्पायर फेलोशिप लिए हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी के टॉपर जो लेते हैं डीबीटी इंस्पायर और बहुत सारी फेलोशिप को। तो 2009 में सरिता चौहान जी थी जो टॉपर थी जिन्होंने, जिनको यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला। 2010 में रितु प्रीति तोमर, 2012 में श्वेता चौहान जो आज एमएटी में फैकल्टी हैं, कंवर पाल तोमर 2013 में, 2014 में फरीम खान, 2015 में शालू शर्मा, 2018 में यहाँ लॉर्डे की लड़की है यहीं पे अनुलता आर्या, और 2019 में रितु जो यही जैसे सर यही पड़ोस में गांव है ट्योडी के हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है लेकिन हम तो अपना ही फील करते हैं यही पड़ोस के गांव से ही। आप सूखते हैं रितु तोमर। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लेते हुए हमारे बच्चे थे, सालू शर्मा को गोल्ड मेडल लेते हुए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, वैश्वानी गोल्ड मेडल, अनुलता आर्या यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लेते हुए, और ऑफ कोर्स रितु तोमर जी जिन्हें यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला 2019 में। ये कुछ एलुमनाई है क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत रिसेंट ही हुआ है, तो और हमने ये जल्दी प्लान किया, ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, तो लेकिन कुछ हमारे एलुमनाई हैं, डॉक्टर अनुज कुमार हैं जो साइंटिस्ट हैं ISRI में, पहले वो बायोइन्फॉर्मेटिशियन थे उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, उनके नाम पे 100 more than 100 रिसर्च पेपर्स हैं,
सविता गोस्वामी हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में। वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीक्वेंसिंग की, नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग में वो काम कर रही हैं। योगेंद्र ठाकुर हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। श्वेता चौहान फैकल्टी हैं एमएटी यूनिवर्सिटी में। अंकित सरोहा, उनके नाम पे भी अभी लास्ट वीक एक पेपर आया है जो मुझे भेजते रहते हैं अपना काम। तो एनबीपीजीआर में वो जीआरएफ हैं, एसआरएफ होने वाले हैं। ऋतु तोमर जी को आप सुन ही चुके हैं, और आस मोहम्मद जी एग्रीकल्चर के हमारे बच्चे हैं जो जिनसे मेरी अभी टॉक हुई, ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो इस फील्ड में मतलब बीएससी एजी के जो स्टूडेंट आना चाहते हैं, जैसे रामकरण सर ने कहा कि बहुत आगे रिसेंट जॉब्स इनसे क्रॉप इंप्रूवमेंट और इससे रिलेटेड हैं, तो उनके लिए ये दो बच्चे हैं जो एग्रीकेमिकल इंडस्ट्रीज में हैं। ये अनुज कुमार हैं, आप रिसर्च गेट में इनको विजिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है भी 131 रिसर्च पब्लिकेशन के नाम पे है सर। ये यहाँ पे गांव है सिकोपुर, सर जानते हैं रामकरण सर, तो इनके पड़ोस का ही गांव है ये। तो जी सर मैं जानता हूँ, उनसे कई बार बात भी हुई है मेरी, ये ग्रेट गाइस। जी जी जी, बहुत बहुत तारीफ करते हैं सर आपकी, बहुत कहते हैं बहुत सर, मैं सीखता हूँ रामकरण सर से। और आप सर रिसर्च की फील्ड में आपको बहुत लोग अनुसरण करते हैं, आप जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी भविष्य में करेंगे। ये कविता जी है, कविता गोस्वामी, ये देखिए 17 रिसर्च पेपर हैं, आईसीजीबी में ये काम कर रही हैं। डिपार्टमेंट की अगर फैसिलिटीज की बात करें तो एसी लैब है, इंसिलिको लैब, जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिसर्च हम लोग करवाते हैं, जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स, ड्रग डिजाइनिंग, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इस सब के लिए हमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो हाई स्पीड इंटरनेट की, वो हमारे पास अवेलेबल है। प्योर पावर बैकअप हमारे पास है, जो लाइट का कोई इशू ना रहे, क्योंकि अब जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो वो बैकअप जरूरी होता है, ये अवेलेबल भी है। ये हमारी इंसिलिको लैब की एक पिक, रिसेंट पिक मैंने ली है। वेल इक्विप्ड इन विट्रो लैब है, क्योंकि बायो और इन्फॉर्मेटिक दोनों है, तो बायो के लिए हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे हम लोग करवाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी सचिन सर करवा रहे हैं रिसेंटली, माइक्रोबियल कल्चर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रोटीन एस्टिमेशन, ब्लड एनालिसिस सर करवाते हैं। ये हमारी इन विट्रो लैब में सचिन सर हैं, काम करवा रहे हैं बच्चों से। जो अदर फैसिलिटीज हैं डिपार्टमेंट की, अपनी लाइब्रेरी है, बुक के लिए कोई कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सिलेबस का जो भी है ई कंटेंट अवेलेबल है, गूगल क्लासरूम हमने बनाए हुए हैं, सब में पीडीएफ अवेलेबल है, क्योंकि मेन फोकस हमारा सिर्फ सिलेबस नहीं रहेगा। जैसे सर रामकरण सर ने कहा कि सिलेबस या डिग्री ये तो बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं, अपस्किल करना, स्किल को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप के अंदर स्किल होगी तो आप आगे जाएंगे। तो अब ये सिलेबस का ही कंटेंट हो गया, बच्चों को पढ़ाते हैं वो सिलेबस अवेलेबल है, मेन फोकस रहता है रिसर्च पे। तो जहां पे भी जरूरत होती है, जैसे कोविड के दौरान जरूरत थी क्लासेस की, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, और सब ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग वीडियोज की थी वो तो सब गूगल क्लासरूम में, अगर सेवरल टाइम्स आप उनको सुन सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर कई बार ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी, बच्चा कहीं दूसरी जगह है, कनेक्टिविटी इश्यू है, तो अपना डाउनलोड करके अपने फोन में देख सकता है मल्टीपल टाइम्स। तो कोविड के टाइम पे बहुत ही हमें हेल्प मिली इस चीज से, और मैं हूँ और सचिन सर हैं। सचिन सर बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी हैं, इनके नाम पे मोर देन 20 रिसर्च पेपर्स हैं, 3 पेटेंट फाइल कर चुके हैं, 1 पेटेंट उनका सेंक्शन हो चुका है सचिन सर का। तो इस साल से हमारी प्लानिंग है रामकांत सर कि हम लोग, जैसे ऋतु ने भी बताया और आपने भी कहा कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अभी हम लोग इन बिटवीन, जैसे आप बात कर रहे थे ना, इन बिटवीन ही हमारे दिमाग में ये चीज आई, और मैं और मनोज सर और सचिन सर अभी करते हुए ये लाइन अभी लास्ट में अभी ऐड की है आपसे इंस्पायर होके, ऋतु की बातों को सुन के, कि वी आर प्लानिंग टू हैव प्रिपरेशन फॉर नेट एंड एआरएस फॉर दिस सेशन। हम इस सेशन से
बच्चों के लिए नेट की और एआरएस की जो साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की, उनको प्रिपरेशन हम इस बार से स्टार्ट कर देंगे। एडमिशन का प्रोसेस जैसे यूनिवर्सिटी में अदर जो कोर्सेज हैं उसी तरीके से ही है। सीसीएसटी यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, इसके वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो सर्च से भी एक स्टूडेंट ने भी पूछा कि कौन एलिजिबल है, तो एलिजिबिलिटी जो बीएससी जिसने बॉटनी की है, जियोलॉजी की है, बॉटनी केमिस्ट्री और जियोलॉजी की है, या बॉटनी केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी की है, वो सब एलिजिबल है एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। क्योंकि सर ने भी जिक्र किया कि मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसमें जरूरत रहेगी कि जो डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा है ना, कौन किस फील्ड में जाना चाहे उसके लिए अगर मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स के जो ऑप्शन रहते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी एलिजिबल हैं। बीएससी एजी के लिए जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट और इसकी बात हुई तो ये एलिजिबल हैं बच्चे, यहाँ से करके गए हैं जैसे हमने एलुमनाई में डिस्कस भी किया। बीएससी कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है इस में एडमिशन लेने के लिए। तो जहाँ से सर ने शुरू किया कि कहाँ ग्लोबली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, रितु ने इंडिया का के बारे में बताया, मैंने यहाँ के इस बड़ौत के आपके कॉलेज के बारे में बताई चीजें, इनसे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है कुछ भी है तो जनता कॉलेज वैदिक कॉलेज आपसे दूर नहीं है। आप डिपार्टमेंट में आइए, डिपार्टमेंट में आके जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपको लगता है कि ये चीज है कि नहीं है, तो चीजें ग्राउंड जीरो पे जाके पता करनी चाहिए, किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे नहीं। कि जैसे सर ने बताया फील्ड के बारे में, तो फील्ड के बारे में बताने के बाद ये चीजें यहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ जनता वैदिक कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आने के बाद ही पता चलेगी। तो मैं सबको इनवाइट, स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ कि आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जनता वैदिक कॉलेज में आइए। और फॉर माई साइड गुड लक टू एवरीवन, एवरी स्टूडेंट। अब मैं रामकरण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आए हैं तो बच्चों के जो जी पहले तो मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड मनोज सर, मैं कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक तो जितने अच्छे तरीके से आपने स्लाइड्स ऑर्गेनाइज किए हैं और आई थिंक जो ओवरव्यू आपने दिया है दैट वाज ट्रूली अमेजिंग, और बीइंग एज एलुमनाई ऑफ जनता वैदिक कॉलेज मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैंने रितु को भी आज सुना, शी इज अमेजिंग, और जितना सफर उसने अभी तक तय किया है वो बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि बड़ौद से आने के बाद चीजें करना आई थिंक हम लोग एक बहुत बड़ी अच्छी जर्नी होती है, कि आपने कुछ लोगों के नाम भी लिए, हम अनुज इतना अच्छा पब्लिकेशन ला रहे हैं, रितु बड़ा अच्छा करिए, और कई स्टूडेंट्स के आपने नाम लिए, उनको मेडल्स मिले हैं, ये देख के बड़ा मतलब एक प्राउड फील हो रहा है। यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट और यू आर वेरी काइंड कि आप कह रहे हैं कि यू आर न्यू, यू डिड नॉट अचीव अ लॉट। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटीज में काम कर चुका हूँ, अगर मैं फैसिलिटीज वाइज और टाइम वाइज कहूँ तो यू हैव अचीव्ड अ लॉट। ये आई थिंक यू आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए इसका प्राउड लेने में, इसका आपको इसका आई थिंक यू डिजर्व अप्रिसिएशन। सो फर्स्ट मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, यू गिव अ वेरी गुड ओवरव्यू, और जो आपकी लास्ट लाइन है आई ट्रूली लाइक योर ऑनेस्टी, कि आपने जो स्टूडेंट्स को बोला है कि कॉलेज में आइए और सी द लैब। आई थिंक मैं स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि देखो हम लोग, क्योंकि हम लोग तो हमारा तो घर है जनता वैदिक कॉलेज, और हम अपने कॉलेज के बारे में ऑफकोर्स ज्यादा अच्छे जानते हैं, और अगर हम कोई बात कहते हैं वो एक जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी कहेंगे। हम लोग वहाँ पे मैं हर साल जाता हूँ और मैं कम से कम एक या दो दिन जाट कॉलेज में जरूर स्पेंड करता हूँ, कुछ लोग मिले भी हैं वहाँ पे मुझे, जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पहचान पा रहा हूँ, तो आई हैव सीन की इट्स रियली प्रोग्रेस वेल। तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे और चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो सर मैं आपकी आपके परमिशन से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, कि कुछ क्वेश्चन आए हैं। अंशिका तोमर ने पूछा है कि सर मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है तो क्या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी अच्छा रहेगा या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी अच्छा रहेगा, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा रहेगा। तो अनिश का देखो मैं
और मे भी रितु भी और मे भी मनोज सर कोई भी, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा। आपने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में जाना चाह रहे हैं, डोंट गो फॉर प्योर माइक्रोबायोलॉजी। वो मैंने अपनी टॉप में भी कहा था कि आपको ये देखो ना कि जैसे रितु ने भी बड़े नाइसली, आई थिंक उनके शब्द मुझे बड़े प्यारे लगे, बड़े अच्छे लगे, बहुत नाइसली उन्होंने कहा कि आपकी डिग्री हो गई, सो व्हाट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एमएससी की माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री हो गई, उससे आप क्या करने वाले हो। आई फील कि अगर आपको एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस बायोइनफॉर्मेटिक्स में चूज करना है, आई विल गो फॉर बायोइनफॉर्मेटिक्स। बट अगर आपके पास स्टिल यू वांट टू गो फॉर माइक्रोबायोलॉजी, यू हैव पैशन फॉर माइक्रोब्स, देन गो फॉर आइदर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जहां पे आप माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई कर सके, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल माइक्रोबायोलॉजी, तो ऐसी जगह पे जाइए कि जहां पे आप अप्लाई कर सके। दैट्स योर आंसर, आई होप आई सेटिस्फाइड यू। एक क्वेश्चन है कि आई थिंक रितु विल बी इवन बेटर टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि बायोइनफॉर्मेटिक्स में अगर एमएससी करना चाहते हैं तो जैम के थ्रू होता है क्या? नहीं, जैम के थ्रू बायोइनफॉर्मेटिक्स नहीं होता है, बट आईएससी बेंगलोर, जेएनयू, दे आर इक्वली इवन बेटर गुड, और आईसीजी भी, कई सारे इंस्टीट्यूट, रितु ने ही बताए, मैंने ही बताए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं कि जो बायोइनफॉर्मेटिक्स में एग्जाम लेके आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आई थिंक रितु में एड समथिंग इन इट, रितु? यस, या एक्चुअली जेएनयू का खुद का सेपरेट एग्जाम होता है उसके लिए, मास्टर्स इन बायोइनफॉर्मेटिक्स के लिए, एंड एक कॉमन एग्जाम होता है सीबीटी करके, वो अगर क्वालिफाई करे तो उसके साथ बहुत सारे जी जी, गुड, थैंक यू सो मच। एंड आईजीआईबी जो है वो पीएचडी के लिए है, तो वो मास्टर्स कोर्सेज अभी नहीं करा रहे हैं। ओके ओके, गुड गुड, बट आई थिंक आईएससी बेंगलोर में है क्या ये? आईआईएससी बेंगलोर, आईसर मोहाली, आईसर भोपाल, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मास्टर्स हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी टॉक में बोला बीएचयू इज वन ऑफ द बेस्ट, बीएचयू में भी है आई थिंक, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में भी है, वहाँ पे भी काफी अच्छा है। दिल्ली में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास्टर्स करा रहे हैं, एंड अगर हम दिल्ली से बाहर जाते हैं तो बाहर भी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास्टर्स कोर्सेज करा रहे हैं। इनफैक्ट हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का, हमारा जनता वैदिक कॉलेज मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कराते हैं, हमारी ही लैंग्वेज में हमें समझाते हैं। बाहर जाएंगे तो हमारी साइड के बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश में चीजें समझने में बहुत एकदम से प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम अपने ही कॉलेज की बात करें तो हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, वो हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हमारा कॉलेज भी बहुत बेस्ट है अगर हम बाकी की बात कर रहे तो उनके कंपैरिजन में। ये आई थिंक आपने एक रितु बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि जो बात बोली जा रही है अगर वो हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, सो आई थिंक देयर इज नो मीनिंग टू हैव एनी गुड इंस्टीट्यूट। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि जैसे हमने भी जनता वैदिक कॉलेज से एमएससी किया, तो वहां पे टीचर जनरली क्या होते हैं कि सेम बात को हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ कोर्स आपको राइटिंग जो एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश में ही करने होते हैं, दैट्स मैंडेटरी, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इवन बेटर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया है कि सम आई एम ओके, ये सम आई एम स्ट्रॉन्गली इंटरेस्टेड इन काउस्ट फेलो इंटर्नशिप। आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, प्लीज पुट VSRP और इंटर्नशिप इन काउस्ट, एंड देन यू विल गेट ऑल द डिटेल थ्रू आउट द ईयर। एप्लीकेशन यहाँ पे इसमें एक्सेप्ट की जाती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरी खुद की लैब में आई वॉज द कोऑर्डिनेटर, भी दो पोजिशन थी, सो यू कैन अप्लाई। ओके, एक और क्वेश्चन, आई थिंक इसका आंसर ऑलरेडी दिया है कि अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है तो क्या बायोइनफॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं? ऑफकोर्स यस, मनोज सर ने जो लास्ट स्लाइड है उसमें क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपके पास बीएससी बायो है या बीएससी मैथ है और उसमें केमिस्ट्री है, अरविंद और जीपी सिंह, सो यू कैन स्टिल गो फॉर द बायोइनफॉर्मेटिक्स। और यहाँ पे हमारे सेंटर में सात फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनमें से एक जो फैकल्टी है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट है और उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे सेंटर में कोई अकेले कंप्यूटेशनल केमिस्ट वो अकेले हैं। सो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बायोइनफॉर्मेटिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड है,
मैंने अपनी टोक में भी जो केमिस्ट्री के रिसर्चर हैं प्रशांत शिंदे, उन्होंने भी, उनका भी मैंने दिखाया, उन्होंने भी कहा कि केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट बायोइनफॉर्मेटिक्स। ओके, क्या एमएससी बायोइनफॉर्मेटिक्स के बाद हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं क्या और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में? आई थिंक अगर हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें बुरा लग रहा है कि हम फेल हुए हैं अपनी बात को ठीक से एक्सप्लेन करने में, रितु भी और मैं भी। हमने ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो बायोइनफॉर्मेटिक्स की काफी ज्यादा डिमांड है, दैट इज इन मेडिसिन, दैट इज इन हॉस्पिटल, दैट इज इन ट्रीटमेंट। सो अगर आप बायोइनफॉर्मेटिक्स करते हैं सो स्टिल यू कैन गो फॉर द बायोइनफॉर्म। हॉस्पिटल में आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, आप नर्स नहीं बनेंगे, बट यू आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेडिसिन ट्रीटमेंट। और कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं प्लीज, नहीं तो मैं मनोज सर को और अरविंद सर को हैंड ओवर करूंगा कि इफ दे हैव एनीथिंग फ्रॉम अस वी आर मोर देन हैप्पी। सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी। जी द लास्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट? या लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने बायोइनफॉर्मेटिक्स की है तो क्या हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, बट उन्हें बोला कि क्या हम हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं? या हम हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली देखा जाए तो हॉस्पिटल से भी हमें डेटा ही जनरेट किया जा रहा है, तो अगर हमें डेटा मिल रहा है तो हम हेल्थ केयर हेल्थ इंफॉर्मेशन को हम कैरी कर सकते हैं, हम डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं एंड अलग अलग एक हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रख सकते हैं एंड इनफैक्ट ये काम हो भी रहा है। तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं बायोइनफॉर्मेटिशियंस की, बट वो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल में वो सारे डेटा को जनरेट किया जाता है एंड उनको रखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट का डेटा इकट्ठा करके रख रहे हैं तो वो बाद में अगर आता है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स क्या करते हैं पेशेंट आईडी बना देते हैं, तो वो पेशेंट आईडी ये हेल्प करती है कि पेशेंट को पहले क्या बीमारी थी वो उसके पास होगी और उसको नई क्या बीमारी हुई है वो उसके पास होगी, तो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह होगी पेशेंट की तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे काम करने के लिए भी बायोइनफॉर्मेटिशियंस की जरूरत होती है। तो यस, और जो जैसे रितु ने बोला जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हमारे हैं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, इसमें आई हैव अ फ्रेंड जो बायोस्टेटिशियन है और जो रितु ने बोला सेम चीज, वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं पेशेंट का, और उनको जैसे लेट्स से कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ तो हाउ कितना उनको टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन हुआ, कितनी उनको डोज दी गई, तो ऑल दे कीप ऑल रिकॉर्ड। और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में इसलिए मैं बोला था कि आई थिंक यू डिड नॉट लिसन इट वेल और मे बी आई वॉज इन स्पीड, कि हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि बायोइनफॉर्मेटिक्स इज द की इन द हेल्थ केयर। बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड बायोमेटिशियन के बिना हेल्थ केयर कुछ ऐड करूं इसमें? जी सर मनोज सर गो अहेड। रामकरण सर जी सर प्लीज। अब हाँ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा स्टूडेंट के साथ। मैं पटना में गया था, एम्स पटना है, वहां पे रिसर्च है रिम्स, तो वहां पे रिसर्च होती है काला आजार पे, और वो काला आजार वो हॉस्पिटल भी है एम्स भी है और उसी के साथ ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो पीकेडीएल पे यानी कि काला आजार के बाद पीकेडीएल पे वहां काम हो रहा है, तो वो इसीलिए पॉसिबल है जैसा रितु ने कहा कि आपका डाटा अगर नहीं होगा और उस डाटा का डेटाबेस नहीं होगा तो ये सब काम कैसे होगा। तो 2 महीने का मुझे मौका मिला INSA के थ्रू करने का, तो मुझे वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने की, टूल्स एंड टेक्निक सीखने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग जैसे सर रामकरण सर हैं आप लर्नर हैं, क्योंकि साइंटिस्ट और टीचर ये कभी कंप्लीट नहीं होते, वो रोजाना सोने से पहले सोचते हैं आज क्या सीखा। तो वो 2 महीने मुझे सीखने का मौका मिला और वहीं पे ये मैंने चीजें देखी कि एक डिजीज पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो जब तक वो कंप्लीट उसका डाटा नहीं होगा तो एनालिसिस कैसे होगी, तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस रहा। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एक लाइव एग्जाम्पल आपने बताया। मैं कुछ स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं कि इनका 2 बार क्वेश्चन आया है। देखो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि एक बड़ी फेमस सेइंग है कि या तो आप किसी को फीस पकड़ के दो और या उनको फीस पकड़ना सिखा दो। मैं अपनी हर एक सेमिनार में बच्चों को स्टूडेंट्स को इस बात पर जोर देता हूँ
कि प्लीज एक्सप्लोर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने आप स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर एग्रीकल्चर बायोइनफॉर्मेटिक्स मैंने सुना नहीं है, मैंने सिंपली गूगल पे एग्रीकल्चर बायोइनफॉर्मेटिक्स डाला तो ये देखिए सामने क्या आया है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में सीधा सेंट्रल एग्रीकल्चर बायोइनफॉर्मेटिक्स का एक सेंटर है पूरा। तो आप केवल एक गूगल, देखो गूगल आज के टाइम में आई डोंट नो कि आप बचपन में कहानी पढ़ी होंगी पौराणिक महाभारत रामायण आपने देखा होगा, वहां पे कामधेनु गाय हुआ करती थी, है ना, वो हम लोग तो पढ़ते भी थे कि वो उन्होंने भेष बदल के वो कामधेनु गाय को ले गया था, ये वो एक कल्पवृक्ष की कहानियां सुना करते थे कि जिससे आप जो मांगो वो आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि आज के टाइम में गूगल ये कल्पवृक्ष है या कामधेनु गाय है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आप देखो मैंने कहा एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोइनफॉर्मेटिक्स, तो आपको ये आ गया कि ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट में ये सेम है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आप देखिए ये आईसीआर में पूरा पूरा मतलब एग्रीकल्चर का सेंटर है। सो आपको हमने देखो हम सारी चीजें आपको क्योंकि फॉर एवर हम नहीं बैठ सकते, मैं कई बार बच्चों को थोड़ा मतलब एक तरह से हार्श भी होता हूं कि हम आपको एक थोड़ा आइडिया देते हैं चीजों का कोई भी हो, तो आपको आई थिंक इसके बाद एक्सप्लोर करनी चाहिए चीजें। आपको हमने आइडिया दिया है कि दिस इज द फील्ड, और उसके बाद आप ना ही मुझे सुनो ना रितु को बिलीव करो ना मनोज सर को, आप खुद से सर्च करो चीजों को, आप खुद से जाइए इन चीजों पे और सर्च मोर एंड देन टेक योर डिसीजन। क्योंकि मैं आपको शायद शुरू में मैंने नहीं बताया टाइम की वजह से कि मैं पिछले 6 महीने से करियर काउंसलर का कोर्स कर रहा हूं, मैंने इंटरनेशनल करियर कोच का ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले लिया है और दूसरा नेशनल करियर कोच का मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ। तो वहां पे हम लोग ये चीज सीखते हैं कि जो आप आज चूज करेंगे नेक्स्ट 40 ईयर हो या मरते दम तक आप उस फील्ड में रहने वाले हो, आई फील आप मुझे एग्री करोगे इस बात से कि जो डिसीजन आप आज लेने वाले हो आपके दोस्त आपकी आपकी कंपनी आपकी फैमिली आपका आपकी लाइफ आज आपका ईच एंड एवरी मोमेंट आपको उस करियर को लेके होगा। तो टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली और बहुत सर्च करने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। और कोई कोई क्वेश्चन हो अगर किसी का, ओके आई होप सॉरी सर आई होप मोहम्मद तस्लीम यू गॉट योर आंसर। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बीएससी एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल बायोइनफॉर्मेटिक्स में कैसे आ सकते हैं, तो आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है। थैंक यू सर। या थैंक यू। सो एक क्वेश्चन है कि इफ आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट सो हाउ कैन आई बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट इन बायोइनफॉर्मेटिक्स, व्हाट विल बी द प्रोसेस। सो ए गैलेक्सी जो M3 है, पहले तो अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैं आपको मतलब इट्स अ पर्सनल थिंग कि आप मैं देखो इसमें दो फील्ड होते हैं, आप आई थिंक दिनेश बंसल डॉक्टर दिनेश बंसल को जानते होंगे, बड़ौद के लीडिंग सर्जन हैं दिनेश बंसल को आई एम श्योर, उनके उनके जो बेटे हैं उनसे मेरी काफी बात होती है। एमबीबीएस उन्होंने किया उसके बाद ही गो टू रिसर्च। तो आई थिंक 2 मिनट पहले रितु ने और मनोज सर ने एक्सप्लेन किया है कि हॉस्पिटल में एक बड़ा पार्ट रिसर्च का भी है, इवन फैक्ट जो एमबीबीएस है वो भी रिसर्च फील्ड में जाते हैं। तो अगर आप एमबीबीएस करने के बाद बायोइनफॉर्मेटिक्स में जाना चाहते हो, जो ड्रग डिजाइनिंग है ड्रग डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल है, तो क्लिनिकल आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, खुद से सोचिए कि क्लिनिकल ट्रायल में आपको कौन कौन लोग चाहिएंगे, एक टीम होती है क्लिनिकल ट्रायल, जब चाहे वैक्सीन का हो, आज आई थिंक इससे बड़ा एग्जांपल नहीं होगा, अभी हमने कोरोना की वैक्सीन हमारे सामने है, आपने देखा होगा, आप हर रोज आई थिंक न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज पेपर में आपको आ रहा होगा कि पहला लेवल हो गया है पास, दूसरा लेवल हो गया है, सेकेंड राउंड हो गया है, थर्ड राउंड हो गया है, अब ये गवर्नमेंट के सामने अप्रूवल के लिए भेजा है। इसमें एक टीम काम करती है, उसमें बायोइनफॉर्मेटिशियन का बड़ा रोल होता है और वो कुछ लोग एमबीबीएस बैकग्राउंड के होते हैं जो मेडिसिन बैकग्राउंड के होते हैं। सो ऑफ कोर्स अगर आपको सर्जरी अच्छी नहीं लगती है या आपको एमबीबीएस के मेडिसिन के सर्जरी के फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, आर यू वांट टू गो इन द रिसर्च फील्ड, यू हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर। और अगर आप चाहें तो मैं जो उनके डॉक्टर दिनेश बसंत के स्टूडेंट सन हैं, आई कैन कनेक्ट विद हिम एंड यू कैन नो मोर। तो सर अभी कोई और को आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, तो बैक टू मनोज सर। धन्यवाद रामकरण जी और धन्यवाद रितु जी, आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आशा है कि जो हमारे जो बच्चे हैं इनकी क्वेरी जरूर शांत हुई होगी और उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और
सच तो ये है कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा यार। थैंक यू सर, यू आर वेरी काइंड। आप हमारी टीचर हैं सर, और जैसे मैंने कई बार हमारी आपकी बात भी होती है, जानकर ये मिले थे कि कभी भी किसी भी लेवल पे, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ाने की बात हो, प्रैक्टिकल वर्कशॉप की बात हो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जानता हूं मैं। हो, लेकिन हमारी एक ड्यूटी है हमारे छोटे भाई बहन के लिए, हमारे हमारे टीचर्स के लिए। आप लोगों ने हमें, आई थिंक जो कुछ हम हैं उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। बीएससी एमएससी हमने जनतावादी कॉलेज से की है, उस क्षेत्र के लोगों का भाई, उन्होंने जो क्षेत्र ने एक, आई थिंक जब हम वहाँ पे थे तो उसकी कहानियां सुना करते थे कैसे जनतावादी कॉलेज को बनाया गया, तो उसकी वजह से हमारा करियर बना है। तो हम ऋणी हैं इस चीज के, और हम जितना भी कर पाए अपनी तरफ से हमें अच्छा लगेगा। सो प्लीज एनी टाइम डोंट हेजिटेट टू कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। बिल्कुल, धन्यवाद जी, और बिल्कुल आपसे जुड़े रहेंगे, और आपसे इसी तरह की नई नई बातें सीखने को हमें भी मिलती रहेंगी, हमारे बच्चे भी आपसे लाभान्वित होंगे। आपकी हिंदी बहुत बड़ी अच्छी प्यारी है सर। ये मतलब ये ऐसे सेशन ना बहुत कम होते हैं, तो सुन के मतलब एक वो फीलिंग आ गई एक तरह से, ऐसा लगा कि जैसे मैं बड़ौत घुमाया। बड़ौती है बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एनीवन। लास्ट देखो, अगर कोई कुछ कहना चाहता है लास्ट में, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं ऑलवेज सभी को लास्ट में मौका देता हूँ। देखो आई नो कि सब लोग का, कुछ लोग बिजी होंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग अपना क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, और अगर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हैं, सो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और आप अपनी बात कह सकते हैं। सर जो जाना चाहे वो जा सकता है, ओके सो लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स कोई कुछ बात कहना चाहता है, यू कैन शेयर योर थॉट्स। आपको सेमिनार कैसी लगी, अगर आपको कोई फीडबैक देना हो यू कैन डू इट। आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहता है, एनी कमेंट फ्रॉम फैकल्टी फ्रॉम स्टूडेंट, आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, ये लास्ट चांस है आपको कहने का, नहीं तो उसके बाद हम लोग सभी, आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। ओके आई थिंक अंशिका तोमर, यस यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। रमाकांत यू कैन अनम्यूट, या प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, आपने सारे डाउट जो थे क्लियर कर दिया, आपने इतने अच्छे से समझाया है। मतलब एक बार और थैंक यू, मतलब जो हमारी क्वेरीज थी, जो मन में डाउट था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया कि हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं। शोरंशिका, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं इंडिया आ रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली हम मनोज सर के साथ आपको वहीं डिपार्टमेंट में मिलेंगे। वी विल हैव इंटरेक्शन सेशन देयर, आप लोग वहाँ कॉलेज में आ सकते हैं। एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम सर। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप चाहते तो भी हम आपसे मिलते हैं। गुड गुड, थैंक यू। यस रमाकांत, इसमें जो जावा वगैरह की लैंग्वेज आती है इसमें बायोइनफॉर्मेटिक्स में, सर उसमें आईटी फील्ड में भी जो आईटी कंपनीज होती है उसमें भी जा सकते हैं ना। अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू सो मच कि ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा। मैं आपको बताऊं कि मैं इवन खुद सरप्राइज हुआ, आपको जान के आश्चर्य होगा, आई डोंट नो कि आपने नोट किया है नहीं किया, मैंने पिछले एक हफ्ते से, एक वीक से हर रोज 4 से 5 घंटे में इस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था। मैंने बहुत डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारी चीजें मैंने खुद जानी, मैं भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझे सब चीजें आती थी। मैं तो मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि लास्ट ईयर गूगल ने और फेसबुक ने बहुत सारे बायोइनफॉर्मेटिशियन को हायर किया है, और 1 करोड़ से भी ज्यादा पैकेज पे किया है। आप देखो ना कि जो जितनी सारी ऐप डेवलप हो रही है, फिंगरप्रिंटिंग, फेस, आप देखो ना इनमें बायोइनफॉर्मेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। सो यू कैन गो इन आईटी, ये एक बड़ा डिमांडिंग आई थिंक जॉब है बायोइनफॉर्मेटिक्स के बाद, आईटी जॉब में जाना। थैंक यू सर। यस रमाकांत, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर वैसे थोड़ा मैं पहले अपने बारे में आप सभी को बताऊं,
मैं 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, उसके बाद सर मैंने 11वीं और 12वीं अपनी यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर से की, उसके बाद फिर मैंने यूपी कैडेट दिया, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में जाने का एक तरह से कह सकते हैं कि कोई बचपन से उसको कह दो या देखते देखते उसको कह दो, तो कहीं ना कहीं ये चीज थी, क्योंकि जो मेरे फैमिली में है अधिकतर सभी डॉक्टर रहे हैं अभी तक, तो एक मैं ही ऐसा था कि जो थोड़ा लीक से हटके चला। उसके बाद मैंने यूपी कैटेट का एग्जाम दिया तो मेरा एडमिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल में हो गया, और वहां पे मैंने एक साल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में वहां पे किया। उसके बाद वहां पे कुछ थोड़ा पर्सनली ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से वहां से मुझे छोड़ना पड़ा। देन मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में, उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में यही जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत में एडमिशन ले लिया। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा है एक साल तक अच्छी तरीके से, वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल में किसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का अलग से डिपार्टमेंट है भी, तो इसी हिसाब से फिर कहीं ना कहीं दिमाग में था यही कि नहीं एग्रोनॉमी से एमएससी नहीं करनी, हॉर्टिकल्चर से नहीं करनी, और इनसे नहीं करनी, कि यार कहीं साला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग ही करना। फिर ऐसे धीरे धीरे चीजों का पता चलता गया। जब मैं थर्ड ईयर में आया तो उस टाइम पे कोरोना काल वैसे भी चल रहा था, पता नहीं था धीरे धीरे। तो अभी जब हमारा लास्ट टाइम फाइनल के प्रैक्टिकल चल रहे थे तो मनोज सर और सचिन सर आते हैं, बीच में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो सबसे पहले हाथ भी मैंने ही अपना उठाया था कि नहीं सर मैं जानता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। फिर मैं मनोज सर से जाके पर्सनली मिला तो उन्होंने मुझे काफी अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया कि हाँ आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले कर सकते हो और आपके लिए अपॉर्चुनिटी की भी कोई कमी नहीं है। तो इसी के हिसाब से धीरे धीरे मैंने अपना फिर तुरंत एमएससी में रजिस्ट्रेशन इसी के लिए करा दिया और एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर की तरफ मैं देखा भी नहीं। और अब मैं यही चाहूंगा कि जो मेरे और साथी बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी हैं, अगर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि हमें रिसर्च फील्ड में जाना है या इस तरीके से कुछ भी ऐसा करना है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही ले, क्योंकि एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन वगैरह इनमें पहले ही काफी भीड़ है, और देखा जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है एक अभी उभरता हुआ फील्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर हम जहाँ पे पहले ही ज्यादा भीड़ है, और हमें पता है कि देखिए ऐसी बात नहीं कह सकती भीड़ इधर भी है पर इधर अभी थोड़ा कम है, नया कोर्स है उभरता हुआ सितारा है, तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। और एग्रीकल्चर के लिए तो वैसे भी जैसा रामकरण सर ने भी बताया है और रितु मैम ने भी बताया है और आपने तो सर रामकरण सर एग्रीकल्चर को लेके काफी अच्छी तरीके से बताया इसमें, और देखता भी हूँ क्योंकि जो मेरे बड़े भैया है वो बायोकॉन में है फिलहाल, तो उन्होंने उनसे मैंने बात की तो उन्होंने भी बताया कि नहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही एडमिशन ले लो। आई थिंक मनोज सर आपको बहुत खुश होना चाहिए और मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसके बड़ी टेस्टिमोनियल हो नहीं सकता आप लोगों का कि एक स्टूडेंट जो खुद फील करता है, एंड आई थिंक वी ऑल शुड फील प्राउड कि अपने डिपार्टमेंट के ऊपर और आप लोगों के ऊपर कि स्टूडेंट वहां पर रहकर इतनी अच्छी फीलिंग्स आपके लिए उनकी है, तो आई थिंक ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू रमाकांत, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इसको शेयर किया अपनी बात। रमाकांत थैंक यू सर, और रामकांत सर आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, जो आपने उसके कुछ डाउट जो थे वो सारे क्लियर कर दिए आपने, हमने अपनी तरफ से किए थे आज आपने सारे कर दिए। जी जी सर, थैंक यू। कोई और कोई भी बात करना चाहता है, कोई भी, देखो झिझको मत, आई थिंक हम देसी भाषा में हिंदी में बात कर रहे हैं और इसमें आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी अच्छी बात को कहना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। आई थिंक ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि देश विदेश के मतलब साइंटिस्ट हो या टीचर हो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जस्ट फील फ्री टू लाइक शेयर एनीथिंग, कोई भी कुछ कहना चाहता है। चलिए सर, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है और, तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू लीव सर। एनीथिंग, कोई और कुछ भी हमें, हमारे लिए और रितु के लिए, आई थिंक मैंने अपना ईमेल आईडी ओनली शेयर कर दिया है, karan.iit@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, और कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, और विद इन 1-2 days आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। अपनी जो भी आपका डाउट है या कोई आप मेरे से हेल्प चाहते हैं या मैं
कहीं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लाइक योर एल्डर ब्रदर और फ्रेंड। आप पूरा डिटेल मुझे लिखिए और आप फोन नंबर भी दे दीजिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर विद इन 48 or 72 hours। सो अगेन आई थिंक मेरी तरफ से थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, मनोज एंड मनोज एंड सर सर और अरविंद सर। आई थिंक इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू कनेक्ट विद यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। मेरी शायद आपसे पहली मुलाकात है, हम भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। बहुत अच्छा लगा सर। मैंने भी अपनी ईमेल आईडी शेयर की है, तो आप शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। एंड सर आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रितु। आई थिंक सचिन कुछ कहना चाहता है। सचिन आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सचिन कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, यू आर अलाउड टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप रमाकांत, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस सचिन, यस प्लीज। हेलो हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं सर? जी सचिन भाई आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं प्राचार्य जी और हमारे सभी जो आदरणीय टीचर्स हैं उनको नमस्ते करना चाहूंगा। और सर आपको मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर सचिन कुमार जो आई एम वर्किंग विद डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा इन बायोइनफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो बहुत 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 हार्दिक धन्यवाद आपका। रियली आपसे मतलब एक दूसरी बार सुन रहा हूँ वैसे मैं आपको, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने बायोइनफॉर्मेटिक्स मतलब इवन हम लोग भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो बहुत बहुत ही ज्यादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और रियली मुझे नहीं लगता कि बच्चों को, जिसने भी सुना है थोड़े भी ध्यान से सुना है तो उनको कोई डाउट रहा है। तो रियली इट वॉज वंडरफुल। एंड रियली जैसा मनोज सर ने भी कहा कि बच्चे तो छोड़ो, हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हार्दिक धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं इसीलिए एक्चुअली बस धन्यवाद करने के लिए ही अनम्यूट कराया आपको, बाकी तो सब कुछ आप लोगों ने एक्सप्लेन कर ही दिया अच्छे से। सो आई विल बी इन टच विद यू ऑन मेल ऑल्सो। एंड जी सर, और मनोज सर के पास मेरा फोन नंबर है, आप फोन नंबर देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं लेट्स सी, अगर कोरोना की सिचुएशन अच्छी रहती है तो मैं बार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आता हूं। लेकिन अगर सच कहूं, अगर मैं सच कहूं तो मेरा दिल बायो की तरफ रहता है। नहीं, थैंक्स अ लॉट, यू आर मोस्ट वेलकम सर। इवन वी विल बी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे, ठीक है? तो हम लोग बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो इसके स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, इनको मिला के प्रोग्राम रख लेंगे। और मे बी डिपेंड ऑन यू कि इसी तरह का प्रोग्राम रखना है या रिसर्च के बारे में बात करनी है, तो आई थिंक वी कैन डू दैट। नहीं, डेफिनेटली वी विल करेंगे आल्सो। नहीं, वी विल प्लान फॉर दैट आल्सो, डेफिनेटली सर, एंड वी विल बी हैप्पी टू हैव दैट। और बस ये है सर के आपके साथ से सभी जो हमारे टीचर्स हैं और प्रिंसिपल, प्राचार्य साहब, मैनेजमेंट, सबको एक उनके सबके साथ से, सहयोग से, बस जितना आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में करने की कोशिश है मैक्सिमम जितना हम बच्चों के लिए कर पाए ना। तो थैंक्स अ लॉट। मैं पहले भी कहा है सर, आपका जो मैं शाम किशोर सर से बहुत इंस्पायर हुआ रहा हूं मेरे मतलब जिंदगी में जो भी कुछ हूं, मैं शाम किशोर सर से हूं, तो मैं उनसे दूसरे वीक तीसरे वीक बात करता रहता हूँ, तो मुझे चीजें वहाँ की पता रहता है चीजें। और क्योंकि मैं खुद लोकल वहाँ को, मैं सारी लिमिटेशंस और आपकी चीजें समझता हूँ। और इसलिए मैंने कहा भी जब मनोज सर ने प्रेजेंटेशन दिया कॉलेज को लेके, तो आई थिंक जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही अतुल्य है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये पहली बात तो मैं कहूँ कि ये सौभाग्य है हमारा कि जो जितने भी उसको बड़े स्ट्रेस से इस बात को बोला कि हमें ये इस तरह के कोर्सेज करने के लिए, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हमारे टाइम पे तो ये चीजें थी नहीं, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेके आए हैं
और रितु जैसे स्टूडेंट, मनोज जैसे स्टूडेंट और आपके अनु जैसे स्टूडेंट वहां से निकल रहे हैं, तो आई थिंक यू ऑल शुड बी प्राउड ऑन दैट। डेफिनेटली सर, इस कोशिश है सर आप लोगों के सहयोग से बस ये चलती रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक रमाकांत आपने दोबारा हाथ उठाया है या पहले ही हाथ उठा हुआ है? यस सर दोबारा उठाया है। जी जी सर मैं आप सभी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से देख के एक तरह से भटके हो को राह दिखा दिया उनको। अरे थैंक यू भाई, हम लोग सब थैंक यू सो मच के निकले हुए हैं। और आई थिंक जब मैं बात करता हूँ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पहले हम उसी जगह से आए हैं और हम समझते हैं आपकी। आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि मैं जब अपना पैर आपके जूते में रख के देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि चीजें क्या है, तो इसलिए मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। आई थिंक मनोज सर को याद होगा, मैं मनोज सर को बोलता था कि सर प्लीज मेरा इंटरेक्ट करवाइए स्टूडेंट से, मैं मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अच्छी तरह याद है, कोई हेल्प हो सके सो आई बी मोर देन हैप्पी। बिल्कुल सर ये तो देखिए आपका बड़प्पन है क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी फेसबुक पे भी कनेक्टेड हूँ और मेरी रमाकांत शर्मा के नाम से आईडिया शायद आपको पता भी होगा। और लास्ट टाइम आपका जो आईएएस सर के साथ में, बागपत के जो आईएएस है उनके साथ में जो वेबिनार था, मैंने आपको वो भी ज्वाइन किया था। तो सर ये तो देखिए आपका बड़प्पन है कि आप हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, नहीं तो जनरली होता क्या है कि अगर कोई एक बार हमारे इस एरिया से निकल जाता है तो जल्दी से वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए देखना नहीं चाहता। सर ये हकीकत है। जी जी थैंक यू सो मच। तो ठीक है, आई थिंक ये टाइम रैप अप करने का है। आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मौका देना चाहिए कुछ बोलने का। धन्यवाद जी, और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि हम जल्द मिलेंगे। जी सर थैंक यू सो मच सर। इस बार आई एम श्योर की बायोइनफॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, आई विल सी देम ऑल इन बायोइनफॉर्मेटिक्स क्लास और हम इनसे इंटरेक्शन करेंगे एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड एंड गुड लक टू एवरीवन एंड आई थिंक हैप्पी दशहरा वन मोर टाइम। एंजॉय, अभी भी टाइम बचा हुआ है, एंजॉय योर टाइम, वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड, वेरी गुड टाइम। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर। ओके रितु थैंक यू सो मच एंड ये आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। कभी भी आपको रिसर्च से रिलेटेड कभी कोई चीज चाहिए, कोई रिसर्च पेपर वगैरह चाहिए तो, और कई रिसर्च पेपर, कई आई थिंक मोर देन 17 जर्नल्स का मैं रिव्यूअर हूँ, कुछ का एडिटर भी हूँ, सो मोर देन हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय 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 सर, बाय बाय सर।